केस ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पहला क्वेश्चन बताऊंगा। इस सीरीज में दो क्वेश्चन रहेंगे, ये पहला क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। सॉल्व डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर ई की पावर टी। गिवन दैट वाई एट टी इक्वल टू 0 इक्वल्स टू 1, y डैश at t इक्वल टू 0 इज 0, y डबल डैश at t इक्वल टू 0 इज 2। ये जो आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन में, तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। गिवन देखो आपको क्या क्या दिया यहाँ पे, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, यहाँ पे y इक्वल्स टू टी स्क्वायर ए की पावर t आ जाएगा, ठीक है। विच कैन बी रिटन एज, देखो इसको हम क्या ले सकते हैं, y ट्रिपल डैश माइनस y डबल वाई सॉरी 3y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस y इक्वल्स टू टी स्क्वायर ई की पावर टी, ठीक है। ये क्या है, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y है, ठीक है। डी क्यू का मतलब क्या होता है, डी क्यू y का मतलब क्या होता है, थर्ड डेरिवेटिव y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, y ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा आपको, ये लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश माइनस 3 लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश प्लस 3 लाप्लास ऑफ वाई डैश माइनस लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ ई की पावर टी टी स्क्वायर। ये आपका e की पावर टी है, ठीक है। अब ये बताओ, इसके लिए अपन जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, सेपरेट सेपरेट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सच दैट अपना आंसर जो है सही सही निकले। तो ऑन सॉल्विंग एल, है ना, देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे टी स्क्वायर ई की पावर टी, ठीक है। तो यहाँ बताओ अपन क्या करेंगे, पहले लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर निकाल देंगे, इसका तो वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 2 अपॉन में एस की पावर एन प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन में एस क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, फिर लाप्लास ऑफ e की पावर टी टी स्क्वायर निकालेंगे, तो मतलब क्या, अपन यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। a की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो दिस इज 2 अपॉन में एस माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा ये। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू फॉर दिस लाप्लास। अब देखो यहाँ पे आपको थर्ड डेरिवेटिव दिया है, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव दिया है, यहाँ पे आपको सिंगल डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव्स क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, इफ लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन ऑफ टी, आपका टी है इक्वल्स टू एफ बार ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एनथ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू एस एन लाप्लास ऑफ दैट फंक्शन दैट इज एफ ऑफ टी माइनस एक एन, एक एस यहाँ पे कम कर लो, दिस विल बी एस की पावर एन माइनस वन, और क्या करना, फंक्शन निकालना जब टी के लिए क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। फिर इसमें से एक और एस कम कर लो, दैट इज एन माइनस टू हो गया, यहाँ पे क्या करो, उसको डेरिवेटिव ले लो, एफ डैश जीरो, फिर माइनस एस की पावर एन माइनस 3 एफ डबल डैश जीरो माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये जो है उसका जनरल फॉर्मूला किसके लिए, डेरिवेटिव के लिए है, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे पुट अप करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये इसको वन मान लो, इक्वेशन वन ले लो, ठीक है। तो इक्वेशन वन पे जब पुट अप करेंगे देखो क्या बनेगा अपने, यहाँ पे ध्यान से समझते चलना और लिखते चलना, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन वन बिकम्स, देखो क्या होगा, ये अपना थर्ड डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो दिस इज एस क्यूब लाप्लास ऑफ वाई
माइनस एक एस काम कर लो, एस स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ बताओ क्या होगा, वाई एट टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर माइनस एस वाई डैश जीरो, ठीक है, फिर माइनस क्या होगा बताओ यहाँ पे, वाई डबल डैश एट टी इक्वल टू जीरो, ये अपना यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर ये किसके था, पहले वाले के था, अब यहाँ पे करो माइनस थ्री, ठीक है, यहाँ बताओ क्या होगा, डबल डेरिवेटिव दिया था, दिस विल बी एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस एस स्क्वायर दिया, तो अगला क्या होगा अपना एस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा वाई एट टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, फिर अगला होता क्या होगा वाई डबल डैश एट टी इक्वल टू जीरो, ये भी अपना हो गया है, सॉरी वाई डबल डैश नहीं जी, वाई डबल सिंगल डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या वाई डैश मतलब वाई यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका वाई डैश आएगा, ठीक है, दिस इज नॉट वाई डबल डैश ना, दिस इज वाई सिंगल डैश, फाइन। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, अगला थ्री एल वाई डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर, यहाँ पे थ्री कॉमन निकाल दिया, एन की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वन होगी, तो दिस इज एस लाप्लास ऑफ वाई माइनस, अगला क्या होगा एस दिया है यहाँ पे, तो अपना क्या होगा अगला कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो वाई ऑफ जीरो, ये अपन निकाल दिए, फिर लास्ट बताओ क्या होगा, आपने देखो तो इसी का एज इट इज लिख लो, दैट इज लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू, इसका अपन लाप्लास निकाले थे कितना, टू अपन में एस माइनस वन पावर थ्री, तो टू अपन में एस माइनस वन पावर थ्री, ये इतना अपना हो चुका है। ओके आगे देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले देखो एक चीज आपको यहाँ पे दिया हुआ, दैट इज वाई डैश जीरो, कितना दिया आपको जीरो दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ आपको वाई डैश जीरो दिखता हो उसको आप जीरो कर दो, अपना जीरो हो गया, और ये देखो क्या क्या हुआ, जीरो हो गया, दो टर्म जो आपको गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब एक बार काम करते हैं, पहले इसको वैल्यूज को पुट अप करते हैं जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर हम क्या करेंगे उसको थोड़ा सा इक्वेट करेंगे, तो इम्प्लाइज दो यहाँ पे एस क्यूब एल ऑफ वाई माइनस, देखो वाई ऑफ जीरो कितना दिया अपने, कहाँ पे वन दिया हुआ है, तो दिस विल बी माइनस एस स्क्वायर, ठीक है, ये तो गया आपका, ये बताओ कितना दिया वाई डबल डैश जीरो, दैट इज टू, ये टू नहीं आपको माइनस टू दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना माइनस टू दिया हो तो दिस विल बी माइनस टू, और ये अपना माइनस टू कितना होगा प्लस टू हो जाएगा, तो दिस इज प्लस टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हो चुका, अब यहाँ पे आ जाओ माइनस थ्री एस स्क्वायर एल ऑफ वाई, फिर माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा, और ये देखो इसके वाली कितनी वन दी हुई है, ठीक है, तो इसको भूल जाओ, दिस इज प्लस थ्री एस, ठीक है, इसके लिए हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, दिस इज प्लस थ्री एस लाप्लास ऑफ वाई निकाल दिया, ये इसके लिए तो कितनी वन दी हुई है, तो ये अपना कितना देखो तो फिर माइनस थ्री हो जाएगा, ये अपना हो चुका पूरा सॉल्व हो चुका है। अच्छा ये बताओ कितना है, ये अपना सॉल्व हो चुका पूरा, ठीक है, इसको भी लिख लो माइनस लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू टू अपॉन में एस माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, जितने लाप्लास ऑफ वाई दिए हुए हैं उसके कोएफिशिएंट्स को क्या करूँगा एक जगह इकट्ठे कर लूँगा, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज देखो यहाँ पे एल लाप्लास ऑफ वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे एस क्यूब, यहाँ देखो क्या है माइनस थ्री एस स्क्वायर, फिर देखो कहाँ दिया, यहाँ पे दिया तो दैट इज प्लस थ्री एस, यहाँ देखो क्या है माइनस वन है, इसको इकट्ठे कर लिया, दिस इज लाप्लास ऑफ वाई हो गया यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू ये जो दिया हुआ है उसको अपन लिखेंगे बाद में, लेकिन देखो यहाँ पे साथ में आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ये है, ये दो तीन चार, ये चार टर्म आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा आपको यहाँ पे, एंड दिस इज प्लस टू माइनस दैट इज माइनस वन, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, इतना लिख लिया, प्लस इसको लिख लो दैट इज टू अपॉन में एस माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है, ये जितने इक्वल्स टू के इधर तरफ थे उसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ मैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रहा तो चाहो तो रख सकते हो उसको, और ये बताओ क्या है जो इक्वल्स टू के ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे क्या चाहिए लाप्लास ऑफ वाई निकालना है यहाँ पे, लाप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू देखो क्या बन जाएगा ये, इसको देखो क्या लिखूंगा मैं, एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन माइनस एस, ठीक है, तो अपने क्या होगा ये वाला हो जाएगा अपॉन में, इसको देखो क्या लिखूंगा, देखो ये एक्चुअली है क्या तुम्हारा, इसको जब मैं कैल्सियम में सॉल्व करूंगा, कैल्सियम में थर्ड फिफ्थ इक्वेशन में गया, देखो पहले मॉड में गया ऑन द बॉ, पहले मॉड में गया
ये अपनी इक्वेशन, तो इक्वेशन कौन सा नंबर, फाइव नंबर है। और देखो यहाँ पे एस का जो डिग्री दिया है, पावर दिया, कितना दिया, थ्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड वाले को यूज़ करो, है ना, दैट इज़ नंबर फोर। फोर को यूज़ किया, हाँ बताओ क्या है कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट क्या है, वन है, फिर माइनस थ्री, फिर प्लस थ्री, फिर वन। तो पहले क्या है, वन है, वन को रख के यहाँ पे इक्वल टू कर दिया, फिर माइनस थ्री आएगा, फिर प्लस थ्री आएगा, फिर माइनस वन आएगा, ठीक है, वन माइनस थ्री प्लस थ्री वन। इसको रखने पर देखो तुम्हारा वैल्यू क्या था आपका, एक्स इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो देखो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, कौन सी बताओ, तो एक्स इक्वल्स टू वन आया कि नहीं। तो मतलब क्या है, चूंकि यहाँ पे एस क्यूब दिया हुआ है, तो तीनों के लिए एस की वैल्यू क्या होगी, वन हो जाएगी। तो सिंस एस इक्वल्स टू वन, तो एस माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, एस माइनस वन का होल क्यूब, ठीक है। और ये बताओ क्या बन जाएगा आपको, यहाँ पे टू अपॉन में एस माइनस वन का होल की पावर सिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब उसको सेपरेट कर लो थोड़ा सा, देखो क्या बन सकता है, ये एस माइनस वन का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एस अपॉन में एस माइनस वन का होल क्यूब हो जाएगा ये, प्लस टू अपॉन में एस माइनस वन का पावर सिक्स, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट बताओ किसको करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो ये जब उससे कटे तो बताओ क्या बनेगा आपके यहाँ पे, वन अपॉन में एस माइनस वन बचेगा, यहाँ बताओ क्या बचेगा, माइनस एस अपॉन में एस माइनस वन का होल क्यूब बचेगा। इसको एज इट इज लिख लो, टू अपॉन में एस माइनस वन पावर सिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक और स्टेप सॉल्व करते हैं नीचे में, देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इसको एज इट इज लिख लो, वन अपॉन में एस माइनस वन। देखो यहाँ पे क्या करूँगा, चूंकि यहाँ पे नीचे में एस माइनस वन दिया, तो ऊपर क्या करेंगे, एक माइनस वन करके प्लस वन कर लेंगे, दैट इज माइनस एस माइनस वन प्लस वन करूँगा, तो क्या मुझे मिलेगा, एस मिलेगा, और नीचे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, एस माइनस वन का होल क्यूब प्लस टू अपॉन में एस माइनस वन का पावर सिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ओके। अब इसको अपन जब सेपरेट करेंगे, देखो क्या बनेगा आपके यहाँ पे, वन अपॉन में एस माइनस वन, ठीक है, ये आपको कैंसिल होगा, क्या बचेगा देखो यहाँ पे, माइनस वन अपॉन में एस माइनस वन का होली स्क्वायर। देखो ये वाला पार्ट को जब इससे डिवाइड करूँगा, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपको कैंसिल होगा, तो यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, टू बचेगा, ठीक है। यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वन अपॉन में एस माइनस वन पावर थ्री, ये बताओ अपने क्या बनेगा, टू अपॉन में एस माइनस वन पावर सिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट शीट निकालता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे कैसे इसको, ओके। देखो ये अपना है क्या बताओ, तो वैसे ये अपना है लाप्लास ऑफ y, ठीक है, ये अपना क्या है, लाप्लास ऑफ y है कि नहीं। तो अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इस लाप्लास को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट मीन्स इनवर्स लाप्लास मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे रखता हूँ, और इसको अपन जो है यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू, तो क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस माइनस वन माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस माइनस वन का होली स्क्वायर माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस माइनस वन का होल क्यूब प्लस टू लाप्लास इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे इतना क्या बनेगा, वन अपॉन में एस माइनस वन का पावर सिक्स, ठीक है, अपना हो गया, ओके। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या होगा, देखो तो यहाँ जितने ब्रैकेट्स में एस माइनस वन जो लिखा है ना यहाँ पे, माइनस जो लिखा है यहाँ पे, वन जो लिखा है, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, चलो जगह पे लिखा है, तो क्या होगा आपको, रिमूव हो जाएगा वहाँ से। देखो क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होगा, वाई इक्वल्स टू, देखो क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, इसको क्या लिखेंगे अपन लोग, ई की पावर टी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस लिखेंगे इसको, वैसे भी यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस ई की पावर टी, देखो ये इसको अपन क्या लिखेंगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस इसको लिखेंगे, फिर देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर टी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस क्यूब, फिर देखो यहाँ तुम्हारा क्या बचेगा, प्लस टू इंटू ई की पावर टी लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन में एस की पावर सिक्स, ये अपना हो गया, ओके। अब तो इजी है,
ठीक है, तो ये की पावर टी रहेगा, कॉमन निकाल लो। लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपन एस क्या होता है, अपना वन होता है, ठीक है। माइनस, ये तो बाहर निकाल चुका हूँ, ये बताओ क्या होगा अपना, टी की पावर वन रहेगा अपॉन में फैक्टोरियल वन आएगा यहाँ पे, क्योंकि अपने पता है क्या बताओ तो, वन अपॉन में एस की पावर एन इक्वल्स टू क्या होता बताओ तो, लाप्लास इनवर्स ऑफ, लाप्लास इनवर्स अपन निकालते हैं जब इसका, तो क्या होता है आपको यहाँ पे, टी की पावर एन माइनस वन अपॉन में फैक्टोरियल एन आता है, एफ फैक्टोरियल एन माइनस वन आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैसे अपना हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं, बताओ क्या बनेगा आप यहाँ पे, माइनस यहाँ बताओ क्या बनेगा, टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू, ठीक है, फिर प्लस टू इंटू यहाँ बताओ क्या होगा, टू इंटू यहाँ पे क्या होगा, टी की पावर फाइव हो जाएगा अपॉन में फैक्टोरियल फाइव होगा, ठीक है इतना। ओके इसको सॉल्व कर लो, ई की पावर टी वन माइनस टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ये अपना कितना होगा, फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है, 120 को जब मैं टू से डिवाइड करूँ तो कितना होगा, ये 60 हो जाएगा, प्लस टी की पावर फाइव अपॉन में 60, और ये जो है अपना क्या है, आंसर है, ठीक है, ये अपना क्या है, वाई की वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।